तो देखिए हम लोग साग खा रहे हैं। गलुअर में खा रहे ये देखिए सीधा नीचे धरियो बताओ दे सीधा बढ़िया स्टाइल धो खिला तो तो हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी जाएंगे बाड़ी के अंदर और तोलेंगे तो कुछड़ा साग। जो साग हमने लेके आएंगे वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है तो आज हम पकाएंगे कुछड़ा साग और साथ में शाम को बनाएंगे उसका पकोड़ा। और चलिए तो दिखाते हैं आप लोगों को वो जो साग है एकदम लंबा लंबा पकता है खाने को बहुत टेस्ट लगता है। तो चलिए एकदम बिल्कुल उसमें मसाला वगैरह नहीं ऐड करेंगे एकदम मस्त पकाएंगे खाएंगे। तो चलिए चलते हैं बाड़ी के अंदर। तो फिलहाल अभी बाड़ी के अंदर जाएंगे और साग तोड़ेंगे और मम्मी मैं और गेलू भी जा रहा है साथ में और गेलमा और सारे लोग जाएंगे अभी तो तोड़ने के लिए साग। तो चले और गेलू और मैं जा रहे हैं आगे आगे पीछे पीछे तो मम्मी जी और गेली में आ रहे हैं। तो मिर्ची का छोटा छोटा पौधा है तो उसे लेके आएंगे तो बाड़ी के अंदर लगाएंगे। पहले हम चलते हैं और आप लोगों को दिखाएंगे कुछड़ा साग तो उसका आज पकौड़ा बनाएंगे साथ में। कुछ लंबा लंबा पकता है वो साग एकदम बिल्कुल लंबा लंबा टोटल ऑर्गेनिक तो उसमें कोई मसाला वगैरह यूज नहीं करेंगे बस थोड़ा पकाएंगे और खाएंगे और बढ़िया बनता है और बढ़िया स्वादिष्ट भी बनती है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को इतना सारा साग है हमारा जो भी पौधा लगी है हमारा बाड़ी के अंदर टमाटर गोभी और साग और मिर्ची वगैरह और बैंगन जो भी लगी है टमाटर वगैरह तो सारा ऑर्गेनिक है तो बिल्कुल उसमें पॉइजन हमने यूज नहीं किया है और ये पूरा फुल ऑर्गेनिक है तो दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलिए फिलहाल हम लोग बाड़ी के अंदर पहुंच चुके हैं। देखिए गेली ताटी निकल रहा है ताटी बांधा हुआ है तो अभी गेलू निकल रहा है ताटी और देखिए कितना सारा साग है ये सारा साग बहुत सारा साग है। तो कल हमने बाड़ी में पानी चराया था देखिए कितना साग आई है साग देखिए। तो देखिए गेलू साग काट रहा है। ये मम्मी मिर्ची का पौधा लेके आई है तो कल जो हमने पानी चराया था वो भी कीचड़ कीचड़ हुआ है देखिए एकदम नरम नरम तो इसके ऊपर वो लगाएगा मिर्ची का पौधा। पापा अंदर मत जा सर हम रहो हमारा बाड़ी में तो घास हो चुका है ये देखिए। तो गाइस जो अभी हम बाड़ी के बाहर बैठे हैं देखिए यहाँ पर हम लोग बैठे हैं और मम्मी अंदर कुछ पौधा लगा रही है मिर्ची का पौधा तो दिखाएंगे आप लोगों को। तो कौन सा ये जो साग है तो कैसे कटाई हो रहा है वो साग में थोड़ा थोड़ा बीज भी आ चुकी है तो हम लोग एकदम हरी हरी सब्जियां लेंगे हरी हरी साग लेंगे।
कान गोली काय फिलहाल बाड़ी से साग तोल के आ चुके हैं, बस अभी जा रहे हैं तो उससे थोड़ा साफ सुथरा करेंगे और फिर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे आप लोगों को भी दिखाएंगे। गेल्लू एक बिल्ली के पीछे भाग रहा है, देखिए एक बिल्ली आया था खेत में तो गेल्लू उसे भगाया। गुगो कि हमारा घर से जो पास वाले घर से बहुत सारे बच्चे लोग आ चुके हैं तो गेल्लू के साथ खेलने के लिए। और गेल्लू का बहुत सारे टॉयज हैं तो बहुत सारे, देखिए कितना सारा टॉयज, और साथ में छोटा छोटा गाड़ी भी, बहुत सारा गाड़ी है तो खेलने के लिए आ चुके हैं। और ये सब लोग गेल्लू का दोस्त है तो आ चुके हैं गेल्लू के साथ खेलने के लिए और खेल रहे भी अभी। दोपहर का खाना सब लोग खा रहे हैं। आज साग बनिए, तो अभी हम खाएंगे, साग खाएंगे, साग के साथ ये फूलगोभी आलू का करी खाएंगे। तो देखिए हम लोग साग खा रहे हैं, देखो गेल्लू और मैं खा रहे हैं।
हेउछु पूरा आछिरो ये देखिए छेदा नीचे धरियो बताओ दे सीधे बढ़िया स्टाइल लो धोखला तो हमारा साग बहुत स्वादिष्ट बनी है और सब लोग खा रहे हैं। देखिए मम्मी ने एकदम लंबा लंबा पकाया है और उसे खाने को बहुत मजा आता है। तो साग तो मस्त पकी थी, तो सब लोग मिल के खाए दोपहर के लंच में। और आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं एक मज़ेदार ब्लॉग में मज़ेदार रेसिपी लेके। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय जगन्नाथ। बोलो।